नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई आए दिन आप सभी चैनल पर या फिर रील वगैरह में कुछ ऐसे भाई लोगों को देखते आ रहे होंगे जो लोगों के बीच या फिर अपने दोस्तों के बीच सड़क पर चलते हुए अपने गाड़ी से कुछ भी उल्टी सीधी चीजें करते रहते हैं, जैसे रेसिंग करना, ड्रिफ्ट मारना, हूटर बजाना, गाड़ी पूरे सड़क पर नचाना या फिर इसके छत पर बैठकर बियर पीना। हालांकि ये सारी कलाकारियां हमेशा ही भाई लोगों को हवालात तक पहुंचा देती हैं, खासकर अगर वो यूपी में ऐसा कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इनके समझ में चीज़ें नहीं आती हैं और लगातार इनके नए नए वीडियो सामने आते रहते हैं। आज फिर से ऐसा ही कुछ आया है जिसे कई जगह शेयर किया गया है। यह इंसिडेंट उत्तर प्रदेश के आगरा का है, जिसका पहले आप ये वीडियो देखिए। यहाँ पर हुआ क्या कि इन भाई लोगों में से किसी एक का बर्थडे था, तो इसीलिए सारे ही फ्रेंड्स गाड़ियां लेकर सड़क पर निकले थे। इसमें स्विफ्ट है, स्कॉर्पियो है, WRV है, कुल मिलाकर 6-7 गाड़ियां एक साथ काफिले की तरह चल रही हैं। खैर भाई लोग गाड़ियां लेकर निकले तो निकले, लेकिन इसी के साथ ये कुछ ऐसी गलत हरकतें भी कर रहे हैं जिससे लोगों के बीच डिस्टर्बेंस फैल रहा है और नियम कानून भी टूट रहा है। आप वीडियो में क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये लोग बिजी एरिया में गाड़ियों के सनरूफ से बाहर निकले हैं, विंडो से बाहर निकलकर बैठे हुए हैं और बाकायदा लगातार हूटर बजाते हुए चल रहे हैं। इसके अलावा एक खाली मैदान में भाई लोग सारे गाड़ियों को गोल गोल घुमाकर स्टंट भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर इन्होंने बर्थडे को बिल्कुल ही रॉन्ग वे में स्पेशल बनाने की कोशिश की है। लेकिन इस तरह के वीडियोज कितनी जल्दी आग की तरह फैलते हैं आपको पता ही होगा, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वीडियो वायरल हुआ, कई सारे लोगों ने इसे शेयर किया, जिसके बाद यह यूपी पुलिस और आगरा पुलिस तक भी पहुंचा। अब उन्होंने क्या किया यहाँ आप देख सकते हैं। छह गाड़ियों को पुलिस ने सीज कर दिया और 5 यंगस्टर्स को अरेस्ट कर लिया है। अब हुई भाई लोगों की पार्टी स्पेशल। तो भाई यहाँ आप देख सकते हैं आजकल पुलिस कितना ज्यादा तेज हो गई है, कुछ घंटों में ऐसी हरकतें करने वाले घर से उठा लिए जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, लोगों को दिखाने के लिए या फालतू का भौकाल बनाने के लिए ऐसी चीजें मत करें। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कॉमेंट में बताइए।